दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाले KSEA T20 का जो कि मैच खेला जाएगा आप देखोगे ना, तो ये वुमेन मैच है और ये फर्स्ट मैच भले हो तो फर्स्ट जो थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करें लेकिन ये वुमेन मैच है, सबसे बड़ी बात यही है। और आपको पता है जो इसका मैच वाला मैच था वो तो हमारे लिए बहुत लकी मतलब गया सीरीज़, और ये वुमेन मैच है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओ, सिर्फ 6 घंटे बच रखे हैं। तो ऐसे में जैसे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं फाइनल टीम के लिए, कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए, फाइनल स्मॉल लीग की टीम के लिए, ग्रैली टीम के लिए, ट्रम्प कार्ड पिक्स के लिए, आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर वो डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड कर देते हैं डेडलाइन से 15 मिनट पहले। सबसे साइन सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप उसके थ्रू कर सकते हो, दोनों लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन, अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाना, सर्च करना है F11 टीम, अगर आप सर्च करो बिना स्पेस देखे तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। F11 टीम अगर आप सर्च करो बिना स्पेस देखे तो चैनल देखने को मिलेगा जहां पे 41,700 से ज्यादा लोग है, 41,700 से ज्यादा लोग है, जहां पे हर एक मैच कवर करता है। और वुमेन मैचेस के लिए तो टेलीग्राम बिल्कुल मिस मत करना यार, मुझे पर्सनल वुमेन मैचेस बहुत पसंद है। आपको पता है मैं कभी किसी भी मैच इतना एक्साइटेड नहीं जितना वुमेन मैचेस के लिए रहता हूँ। ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू, लिंक 100% काम करता है, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू, 41,700 से ज्यादा लोग है, 41,700 से ज़्यादा लोग हैं। एंड दोस्तों ये ना फर्स्ट मैच खेला जाएगा और ये वेन्यू वगैरह बता देता हूँ यार, ठीक है। मतलब कि देखो वुमेन मैचेस है, अभी स्टार्टिंग मैच है तो थोड़ा कम अमाउंट इन्वेस्ट करना, लेकिन उसके अलावा एक एक मैचेस हो जाएंगे तो थोड़ा अमाउंट बढ़ाते चलेंगे क्योंकि वुमेन मैचेस खेलने का मजा लगी है। बात करती दोस्तों फर्स्ट मैच है, ये मैच खेला जाएगा मैं आपको बता दूँ चेन्नई स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी बाउंड्रीज बहुत छोटी बाउंड्रीज है। अगर यहाँ पे जो मेन बैट्समैन है वो बहुत अच्छी स्कोर करके जा सकती है। और बेंगलुरु मैच खेला जाएगा चेन्नई स्वामी स्टेडियम, हर कोई जानता है। ये मैच करीब 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आपको एग्जैक्टली 1:30 बजे आपको एक्टिव रहना है, 1:30 पे। और कल शायद इसका जो मैच वाला मैच है ना उसका कल फाइनल है, शायद कल ही फाइनल है। एंड बात करते लाइव फैन कोर्ट पे देख सकते हो, बात करते पिच रिपोर्ट दोस्तों, जो विकेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस विकेट पे जो वुमेन मैच स्कोर बनता है 133 रन, ठीक है। बाकी पिच बहुत मतलब बैटिंग फ्रेंडली है, चेन्नई स्वामी स्टेडियम बैटिंग फ्रेंडली है, आप भी जानते हो, शॉर्ट बाउंड्रीज ज़्यादा कोई बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, एवरेज इसको 133 रन है। एंड बात करते सबसे पहले बेंगलुरु ब्लास्ट ऑफ वुमेन्स का जो कि होनी चाहिए लाइनअप्स, बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म टेली आप कर दो, बट प्रोवल के हिसाब से यही होनी चाहिए, ठीक है। ओपन करें टीम इधर से प्रत्येक कुमार टीम से, ओपन करें टीम इधर से सौम्या वर्मा के साथ, ओपन करेंगे टीम इधर से, उसके लिए टीम इधर से वेद कृष्णमूर्ति जो कि टीम इधर से ना वर्नर बैटिंग करेगी, काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल मैच के प्लेयर है और वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड प्लेयर है। उसके लिए टीम से कृषिका रेड्डी जो कि टीम वर्नर फोर्थ है बैटिंग करेगी, टू रन बैटिंग करेगी। उसके लिए टीम से प्रेरणा राजेश जो कि फिफ्थ है बैटिंग करेगी, उसके लिए सीसी कोटा जो कि टीम से सिक्स है बैटिंग करेगी, मुरली जो कि टीम इधर से बैटिंग करेगी, सुभाष सतीश जो कि टीम इधर से एट बैटिंग करेगी, रीमा फायर जो कि टीम इधर से नाइन्थ में बैटिंग करेगी, हर्षिता शेखर जो कि टीम से टेंथ में बैटिंग करेगी, मोनिका पटेल। तो दोस्तों ये है बेंगलुरु ब्लास्ट ऑफ वुमेन्स का लाइनअप्स, आप एक बार देख लो, यही लाइनअप्स होनी चाहिए, ये प्लेयर्स अवेलेबल है। बाकी मैं कंफर्म बैटिंग ऑर्डर टेलियाँ पे दूसरा शेयर कर दूंगा। और बात करते हैं हुबली टाइगर्स को जो कि होनी चाहिए, ओपन करेंगे टीम इधर से, ओपन करी टीम से नाते वेदर टीम दस, ओपन करी दिव्या गणेन्द्र के साथ, ओपन करी वन और वृंदा गणेश के वन और बैटिंग करेगी टीम दस से, उसके स्लोका कृष्ण जो कि टीम दस से फोन है बैटिंग करे, सलोनी पी जो कि फिर ना बैटिंग करेगी, सिकना पे पूजा धनजीजा टीम सिकना बैटिंग करेगी, मिथाली विनोद से वंदना बैटिंग करेगी, चंदू वेंद कृष्ण जो कि टीम से इतना बैटिंग करेगी, आदित्य राजेश जो कि बॉलिंग पाएगी, उसके सना पावर जो कि टीम से बॉलिंग पाएंगे, निर्मिता। तो दोस्तों ये है हुबली टाइगर्स का लाइनअप्स, आप एक बार देख लो। बात करते हैं जो कि होनी चाहिए टॉप पिक्स आज के मैच के लिए, तो देखो मैं कभी भी स्टार्ट्स पे फिर नहीं करता क्या आप स्टार्ट्स के पीछे इतना पड़ो, मैं कभी भी स्टार्ट्स किसी मैच के नहीं देखता, बट हम लोग एक तरफा भी नहीं करते क्योंकि लॉसिंग लगाओगे बहुत अच्छी टीम बन जाती है। तो देखो टॉपिक्स आज के चीज होनी चाहिए बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम से वेदर कृष्णमूर्ति, इंपॉर्टेंट है टीम इधर से जो से कवर के चलेगा, हर कोई जानते हैं कि काफ़ी अच्छी मिडिल ऑर्डर की प्लेयर है, ये आप भी जानते हो कि टीम इधर से इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी है काफ़ी ज़्यादा, साथ ही साथ टीम इधर से काफ़ी कांस्टेंट रहती है। अभी तक इन्होंने टीम इधर से देखोगे तो इन्होंने अब तक 76 T20 मैचेस खेल चुकी है और टीम इधर से 875 रन स्कोर की है, ठीक है, 76 में से 875 रन स्कोर की है जिसमें 2 हाफ सेंचुरी शामिल है। एंड बात करते इसके बाद सुबह से तीस इंपॉर्टेंट टीम इधर से ना विकेट टेक पर आप कवर कर सकते हो, टीम इधर से ठीक ठाक प्लेयर है आप इनको कवर कर सकते हो, 5 मैचेस में 108 रन स्कोर किए हैं, हालांकि वो ज़्यादा बड़े नहीं तो नहीं है बट ठीक ठाक है, चलो इनको कवर कर सकते हो। उसका टीम उधर से दिव्या गणेन्द्र इंपॉर्टेंट टीम उधर से काफ़ी अच्छी प्लेयर टीम उधर से, इन्होंने 7 मैचेस खेल रखे और टीम से 276 विकेट ले रखे, सॉरी रन्स बना रखे।
तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी टीम उधर से अपन को कवर करके चलना। इनका जो मतलब स्ट्राइक रेट 125 के स्ट्राइक रेट से खेलती है। उसके अलावा टीम से चंदू वेंते की जो टीम से काफ़ी ठीक ठाक प्लेयर है। 5 मैचेस में टीम उधर से इन्होंने 8 विकेट भी लिए और इन्होंने इकोनॉमिक 6 के इकोनॉमिक से बॉलिंग कराते हैं। ये आपके लिए मस्ट पिक होनी टीम उधर से। 5 मैच से 8 विकेट भी लिए, हर मैच 1 से 2 विकेट लेके जाती है। बाकी जो अपडेट्स हैं टेलीग्राम पे जो इन्फॉर्म को तो फाइन टीम लिटरली चैप एक्टिव रहना। पता है मैंने मतलब एकदम वॉइस बदल गया एकदम। कल मैंने पता है 9 वीडियोस अपलोड किया था, ठीक है, और साथ ही साथ 1 लाइव स्ट्रीम मैंने किया था कल, और बहुत एफर्ट्स लगा यार, पूरा वॉइस ही बदल गया। फिर सुबह उठा 4 बजे, फिर उसका वीडियो शूट करके दिया आपको आसाम T20 का, और फिर उसका 30 मैच का वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये दोनों मैचेस भी कवर करने, ठीक है, ये वाले दो मैचेस है ना, इनको भी कवर करूँगा। इसके भी वीडियो पर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे फाइन टीम भी मिले तो टेलीग्राम चैप एक्टिव रहना। 41,700 से ज़्यादा लोग है, मैं कमेंट उस लिंक पर निकालूँगा, प्लीज ऑफिशियल ज्वाइन करना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना यार, बहुत एफर्ट्स लगता है वीडियो पीछे। कल इतना वीडियो अपलोड किया, वॉइस एकदम बदल गया है। बात करें विकेट कीपर से लेकर, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जो लाइक कर जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सबसे पहले को ऑन कर सेट कर, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में। बात विकेट कीपर सेक्शन देखो, अगर आप विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो विकेट कीपिंग कौन कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट, क्योंकि इससे पता चलेगा ना विकेट कीपिंग कौन कर रहा है यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी खेल रहा हूँ। तो विकेट कीपिंग में अगर देखोगे तो टीम इधर से ये ओपन करने वाली साइड टीम उधर से, ठीक है, पी कुमार जो टीम इधर से ओपन करने, तो आप इनके साथ चले जाओ टीम इधर से एक अच्छे जो है। उसके अलावा एस वर्मा जो कि ये भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, ये भी ओपन कर सकती है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंथनी में ठीक ठाक प्लेयर, बट फिलहाल के लिए मैं पी कुमार के साथ जो टीम उधर से ओपन करें, ठीक है, पृथ्वी कुमार जो टीम से ओपन करेगी। उसके लिए बैटिंग से वेदर के बहुत इंपॉर्टेंट टीम उधर से मेंशन है 1 आउट। हालांकि मिडल और बैटिंग करते बहुत ज़्यादा कॉन्सटेंट रहती है टीम उधर से, T20 मैच है बहुत कॉन्सटेंट रहती है। डी के आनंद इंपॉर्टेंट है टीम उधर से कवर करके चलना। कैरेटी भी ठीक ठाक प्लेयर है उसके भी, उसके अलावा टीम तरफ से वी दिनेश भी ठीक ठाक है, पर नीचे देख लेते हैं कुछ खास नहीं तो आप जाओ कैरेटी के साथ। उसके अलावा मैं 3 ही मैट्स लेना चाहूँगा, ठीक है, वी दिनेश को नहीं लेना चाहूँगा। उसके अलावा एम अंग इंपॉर्टेंट है टीम उधर से, ऐसा थी जो टीम उधर से ना, इन्होंने आई थिंक कितने मैचेस खेले थे, शायद 8 मैचेस खेले थे और 200 कुछ रन स्कोर किए थे, तो जा सकते इनके साथ, अच्छे प्लेयर टीम उधर से। सालोनी पी भी विकेट है की प्लेयर टीम के साथ जा सकते हो। एस पाटिल भी एक अच्छी प्लेयर टीम उधर से, आप इनके साथ जा सकते हो। सोनल पाटिल नहीं तो मैं पिक जो से कर लेता टीम साइड रखते। उसके अलावा एफ फेरेद इंपॉर्टेंट है टीम उधर से विकेट है की प्लेयर, सी वेंती के अलग लेवल की फॉर्म है, शायद 5 मैचेस में 8 विकेट ली थी और 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराती थी। इंपॉर्टेंट टीम उधर से पूरे 4 ओवर बॉलिंग पाएंगे। एच से का भी है, मोनिका पटेल भी अवेलेबल है, राजश्री ग्रेकवाड़ तो नहीं ना, रामेश्वरी ग्रेकवाड़ है, ठीक है, राजश्री ग्रेकवाड़ नहीं है तो साइड रखते हैं। बचता है हमारे पास 18 के, आपको डिसाइड करना 2 प्लेयर। देखो इस केस में आप चाहो तो ओवरऑल में जो टीम 9 प्लेयर है वो मतलब कॉमन से, अभी अब रिस्क लेने का टाइम अपना आ गया। तो देखो रिस्क कहाँ से लेंगे, पहली बात तो यहाँ सब ले लेते हैं एच सकर को जो टीम से ठीक ठाक है, बट मोनिका पटेल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती, तो मोनिका पटेल के साथ जा रहा हूँ मैं फिलहाल के रिस्क लेने। मोनिका पटेल ज़्यादा अच्छी प्लेयर है एच सकर से भी, मैं भी मतलब कि मोनिका पटेल देते हैं बॉलिंग कर सकते, अच्छी प्लेयर टीम उधर से, ठीक है, हर्षिता सेकर भी अच्छी प्लेयर है, बट मैं अभी मोनिका पटेल पर प्रेफर करूँगा। उसके अलावा नीचे राजेश है जो टीम से ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, आदित्य राजेश, बट मैं प्रेफर नहीं कर रहा, साइड रखता है। नीचे देखोगे तो कुछ खास ऐसे निर्मिता भी अच्छी प्लेयर टीम उधर से, ये भी काफ़ी टैलेंटेड है। तो ओवरऑल टीम बच गई 9.5 की वजह से, एक और रिस्क हमें लेना है। तो 9.5 के आप रिस्क कहाँ ले सकते हो वो बताता हूँ। आप देखोगे इधर तो पी धनंजय अवेलेबल है, एम विनोद भी है, वो साइड रखते हैं। वी धनंजय जो कि टीम उधर से मेन्सन है 1 आउट, तो आप इनके साथ जा सकते हो टीम उधर से। वर्नर बैटिंग इसलिए मैं कवर कर लेता हूँ, आप के रेडी को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, फोन है बैटिंग करे के रेडी। तो ओवरऑल टीम बन चुकी है जिसके साथ आप स्मॉली खेलने जा सकते हो। हालांकि आप चाहो तो एक बॉलर बढ़ा सकते हो इन प्लेस ऑफ के रेडी, क्योंकि के रेडी फोन है बैटिंग करेगी या फिर वी धनंजय की जगह पर। तो ये रिस्क आप ले सकते हो, मेरा केरेडी के लेने मन नहीं है, मैं केरेडी के जब लेना चाहूँगा फिलहाल के लिए ना, जैसे कि एस सेकर। तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, अगर आपको एस सेकर पसंद है तो एस सेकर के जब पे आप ट्राई कर सकते हो। एस सेकर के जो ए राजा जो कि भी ठीक ठाक प्लेयर है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, एक अच्छी प्लेयर टीम से, बट एस सेकर के साथ जाओ तो ओवरऑल टीम बन चुकी है। हाँ मैं रिस्क लिया हूँ केरेडी को ड्रॉप करने का, बट वो मुझे ड्रॉप करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बात करें कैप्टन कैप्टन ऑप्शन, तो देखो 3-4 सबसे बेटर ऑप्शन, देखो वेद कृष्णमूर्ति को ट्राई तो लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या बैटिंग ऑर्डर भी कंफर्म है, क्योंकि देखो कभी कल वन रन बैटिंग करने भी आ जाती है, कभी कल फोन है बैटिंग करते, लेकिन जनरली मिडल ऑर्डर प्लेयर है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है रिस्की ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं कॉमन से टीम बना रहा हूँ अभी, 3 ही के साथ कैप्टन जाऊंगा, लेकिन पार्टी में आपको पता है रिस्क लेता हूँ अभी, तो इसलिए फिलहाल जिस जो टीम दे रहा हूँ उसके साथ कॉन्टेस्ट को आपको बुक करना है, लेकिन पार्टी में भी रिस्क लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ना मोनिका पटेल ट्रंप कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अलावा आर फेरेद टीम से इंपॉर्टेंट है टीम उधर से।
हैज ए कैप्टन अभी के लिए मेरे हिसाब से मैं जा रहा हूँ वेदर कृष्णमूर्ति के साथ जो टीम से अच्छी प्लेयर टीम है तो उसे हैज ए कैप्टन जा रहा हूँ। वाइस कैप्टन अपने हिसाब से एम महंगा भी अवेलेबल है, सोलोनी पी भी अवेलेबल है और साथ से S37 भी अवेलेबल है। S37 काफ़ी अच्छे फॉर्म में चले तो आप S37 के साथ जा सकते हो। मेरे हिसाब से S37 के साथ जाना ज़्यादा फायदेमंद देगी, इसलिए अपना वाइस कैप्टन S37 के साथ जो टीम से ठीक ठाक प्लेयर है आप जा सकते हो, या फिर एम महंगा को ट्राई कर सकते हो टीम से। अगर आप एम महंगा के बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो ये टीम की तरफ से आएगी, 7 बैटिंग करेगी। तो चलो एम महंगा के साथ ही अपना वाइस कैप्टन जो था सेफ ही जा रहा हूँ मैं फिलहाल, किसी कॉन्टेस्ट को बुक करने आफ्टर टॉस में चेंजेस करूँगा। तो ओवरऑल टीम बन चुकी है जिसे स्मॉल लीग खेले जा सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कैरेडियो का मेरा मन करे ट्राई कर तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। अगर और कोई ट्रम्प कार्ड प्लेयर मिलेगा तो टेलिंग अपडेट करूँगा, तो उसके लिए टेलिंग चाहे एक्टर सेम ठीक से इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन इतना जो उसे कराओ कि वैद्य कृष्णमूर्ति में भी वरना बैटिंग ना करे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, बट ये कन्फर्म आपको टेलिंग पर भी जोर से करके दे दूँगा। अभी सेम टीम से जाओ, बाकी रैली वगैरह खेल रहे हो तो आप ना क्या करना, टीके नंदा को कर लीजिएगा और साथ ही साथ टीम से कल मोनिका पटेल को कर लीजिएगा और साथ ही साथ कर लीजिएगा सी वेंतिकेश को जो कि टीम से काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है, S37 को कर लीजिएगा और साथ साथ पी कुमार को भी पिक किया, इनकी जब एक और है ना उनको ट्राई कर सकते हो टीम से, वो भी ठीक ठाक प्लेयर है। इन्हीं की टीम से एक विकेट कीपर और होगा जो इनके साथ ओपन करने वाले हैं, तो उनको भी मैं पिक कर सकता हूँ फाइन टीम में। तो अपडेट आपको टेलीग्राम पे करूँगा, तो मिलते हैं टेलीग्राम पे, एक्टिव रहना ठीक है। सेम टी के साथ अमाउंट जाकर इन्वेस्ट कर दो, अमाउंट आपको कितना इन्वेस्ट करना है फर्स्ट में जो थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है, थोड़ा रिस्की मैच है फर्स्ट मैच है तो वो बात अलग है कि मैं वुमेन मैच हमेशा हाई इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन आप आज बताए फर्स्ट मैच है तो थोड़ा कम ही करना क्योंकि ऐसे प्लेयर्स की बहुत दिन बाद खेलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। मिलता टेलिंग फैक्ट्री रहना जहाँ पे 41,700 से ज़्यादा लोग हैं यार, टेलिंग फैक्ट्री रहना पूरा वॉइस बदल गया एकदम से कल से तरह काम किया थी। कोई डाउट नीचे कमेंट के अंदर, हाँ ये डाउट है पर डाउट जरूर से मैं क्लियर करूँगा। ऑफिशियल ज्वाइन करना, ईमेल आईडी वगैरह देख लेना, ये सब मतलब होनी चाहिए, ऑफिशियल ज्वाइन करना, मेरा नाम भी होनी चाहिए इस पर ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं यहाँ पे हैशटैग के साथ मेरा मतलब कि होनी चाहिए ईमेल आईडी और साथ में मेरा मतलब बोर्ड का मतलब लिंक भी होना चाहिए, यूट्यूब चैनल का लिंक भी होना चाहिए, तो ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू। कोई डाउट नीचे कमेंट करना, बाकी टेलिंग फैक्ट्री रहना, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर सब कुछ शेयर कर दूँगा।